पॉपुलर न्यूज में सबसे पहले एक ऐसे बच्चे की हम बात करने जा रहे हैं जिसके हौसले की तारीफ हर कोई कर रहा है। समझिए कि 5 दिन तक कोई बोरवेल में फंसा रहे, लगातार उसके साथ वहां सांप और मेंढक भी हो, और वो 5 दिन के बाद सही सलामत बाहर निकला है। सब लोगों का कहना यह है कि इस बच्चे की जीवटता बहुत ज्यादा है। आपको यह भी बता दें कि जांजगीर की घटना है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में एक बच्चा गिरा था और लगातार 5 दिन तक 12 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही और तब जाकर सफलता मिल पाई। आपको यह भी बता दें कि बच्चा पूरी तरह से सही सलामत है, दिव्यांग है और इस बच्चे का नाम राहुल साहू है। करीब 105 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। तुरंत ही इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां इसकी हालत ठीक बताई जा रही है। यह भी हम आपको बता दें कि लगभग 5 दिन तक उसको बचाने के लिए हमारी सेना, एनडीआरएफ, रोबोटिक टीम के साथ साथ जिला प्रशासन की पुलिस टीम भी लगी हुई थी। आसपास के गांव वाले भी लगातार मदद कर रहे थे। राहुल के सुरक्षित निकलने के बाद अधिकारियों ने खुलासा यह किया है कि राहुल साहू वाले उसी गड्ढे में पिछले 5 दिनों से उसके साथ एक सांप भी था और एक मेंढक भी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पेरित गांव में करीब 60 फीट से भी ज्यादा गहरे बोरवेल में गिरा 10 साल का दिव्यांग राहुल करीब 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर आ गया। राहुल शुक्रवार के दोपहर करीब 3 बजे अपने ही घर के आंगन में खुले बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। तब से उसे बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, रोबोटिक टीम के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस टीम भी लगी हुई थी। राहुल के सुरक्षित निकलने के बाद अधिकारियों ने खुलासा किया था कि राहुल उस गड्ढे में पिछले 5 दिनों से एक सांप के साथ रह रहा था। एनडीआरएफ के मुताबिक पूरा ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बचाव कर्मियों ने असंभव को संभव कर दिखाया। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 105 घंटे चला। इसे सबसे लंबा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। बहरहाल राहत की बात है कि बचाव कर्मियों की कोशिशें और देश की दुआ काम आई और राहुल सलामत है। नरेश शर्मा, जांजगीर, छत्तीसगढ़, आज तक। तो कल सबने यही कहा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वही इस राहुल साहू के साथ हुआ है। 11 साल का यह बच्चा है, मूक बधिर है, और जब कल उनसे सीएम मिलने पहुंचे हैं अस्पताल में, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को आप देख सकते हैं, उन्होंने इसके निकलने के बाद एक ट्वीट भी किया था और उसके बाद अस्पताल जब उसे ले जाया गया तो उससे मुलाकात करने के लिए सीएम साहब सीधे अस्पताल पहुंच गए। आपको बता दें कि सांप और जो मेंढक वाली बात है, इसके बारे में जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि और ज्यादा मुश्किलें कहीं और ना पैदा हों, लोग ज्यादा घबराने न लगे, खास तौर से परिवार वाले। लेकिन बाद में वो तस्वीरें भी साझा की गई हैं जिसमें सांप और मेंढक साफ साफ नजर आ रहा है इस बच्चे के साथ बैठा हुआ। पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से गुलाबी शहर यानी जयपुर में कल रात मच गई थी अफरा तफरी, और गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ भी लगी। आपको यह भी बता दें कि ये अफवाह जैसे ही फैली लोग परेशान होने लगे। पेट्रोल पंप की तरफ पहुंचकर लोगों ने कैसे पेट्रोल फुल करवाया है, जरा तस्वीरें देखिए। एक वेबसाइट पर यह खबर आई थी कि 24 घंटे के भीतर जयपुर में पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हुई तो पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे। इसी खबर के बाद पेट्रोल पंप पर अचानक से भीड़ भरी, हालांकि पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद किसी तरह से इस भीड़ को कम कराया गया। लेकिन एक छोटी सी अफवाह किस तरीके से शहर भर में खास तौर से लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है, आप इसका अंदाजा जयपुर की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। कल शाम की ये तस्वीरें हैं और सबको यही लग रहा है कि पेट्रोल अब मिलेगा नहीं, इसीलिए सब चाहते हैं कि उनके टैंक्स को फुल कर दिया जाए।